हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं आ गई हूँ जनपद मार्केट। मैंने यहाँ से एंट्री ली है बैंक ऑफ बड़ौदा और जीवन भारती की बिल्डिंग के जस्ट सामने से। और जीवन भारती की बिल्डिंग के सामने मुझे एक छोटा सा स्टॉल दिखा जिसमें मैंने बहुत सारे फ्लैट्स, ट्रेंडी फ्लैट्स देखे जो मैंने जारा पे भी देखे थे ये फ्लैट्स। और उनका प्राइस वहाँ पे 3,000 रुपये था, जबकि यहाँ पे ये सिर्फ 200 रुपये में दे रहे थे और अकॉर्डिंग टू 200 ये मतलब इनका मटेरियल काफ़ी सही था। फिर मैंने जब एंट्री ली तो यहाँ पे मुझे स्टॉल दिखी, जो जहाँ पे मुझे स्टॉल्स और वो स्कार्फ्स और स्टॉल्स दिखे जो कि सिर्फ 50 रुपीज़ में ही दे रहे थे और काफ़ी अच्छे प्रिंट्स थे और कॉटराइज मटेरियल मुझे लगा। और शॉप नंबर 9 पे यहाँ मुझे काफ्तान सेट देखने को मिला जो मैंने नगमा को पहने हुए देखा था, तो मुझे काफ़ी प्रिटी लगा। यहाँ पे अच्छी खासी बार्गेनिंग भी हो जाती है। इन्होंने मुझे 750 का बोला था बट अराउंड 500 का ये शर्ट दे देते, बट मुझे नहीं चाहिए था इसलिए मैंने नहीं परचेज किया। यहाँ पे सैटिन के 90 सेट्स भी देखने को मिले और ये वाला जो डाउन शोल्डर 90 सेट था ये तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा। यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा कलेक्शन देखने को मिला। उसके बाद शॉप नंबर 10 पे मुझे सेट देखा जो कि मैंने जारा पे देखा था। सिर्फ इसमें जो टॉप का प्राइस है वो ही 2500 अराउंड का था जारा पे, जबकि ये पूरा सेट मुझे 1000 अराउंड के दे रहे थे, 1000 के आसपास में दे रहे थे। और टॉप में कुछ इस तरीके की स्टाइलिंग है, देखिए जारा में भी बिल्कुल सेम वही थी, बस कलर अलग था। और ये अराउंड 2500 का था, ज़ारा में यही टॉप ही मिल रहा था जो कि अराउंड 2500 ही था, बट यहाँ पे ये शायद अराउंड 500 का दे रहे थे मुझे। और फिर शॉप नंबर 11 में भी मुझे काफ़ी ट्रेंडी इंस्टाग्राम टॉप्स और ड्रेसेस देखने को मिली। ये वाली ग्रीन ड्रेसेस भी मैंने काफ़ी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को पहने हुए देखा हुआ है। और कुछ टॉप्स यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रिटी थे, एक ये जो प्रिंटेड वाला टॉप है, कलरफुल टॉप है जो ये वाइट मतलब अलग अलग कलरफुल टॉप्स है, ये काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स को मैंने पहने हुए देखा है। और मतलब गरिमा चौरसिया ये जो मैंने अभी इनकी पिक्चर्स में इंसर्ट किया, मैंने काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही हूँ, ये भी मैंने इनको भी पहने हुए देखा, काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये टॉप भी। ये अराउंड 300 रुपीज़ में सारा मटेरियल वहाँ पर मिल रहा था। फिर शॉप नंबर 12 पे भी काफ़ी अच्छा मटेरियल मुझे देखने को मिला कुर्ती में। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ का मटेरियल जो था वो सारा फ्रेश था, मतलब सारी ही शॉप पे कुछ भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मतलब यूज्ड मटेरियल यहाँ पे सोल्ड आउट हो रहा है या सेकंड हैंड मटेरियल यूज़ हो रहा है। यहाँ पे ड्रेसेस भी थी सिर्फ 350 रुपीज़ में। और यहाँ से मैंने कुछ कुर्ती कलेक्शन भी लिया है, वो मैं आपको हॉल में दिखाऊंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, गिव अवे भी चल रहा है। और यहाँ पे देखिए कितना प्यारा स्टॉल मुझे दिखा शॉप नंबर 1 के सामने, यहाँ पे झुमकियाँ हुप्स वगैरह सब मिल रहे थे। गिव अवे की डिटेल्स सारी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, चेक कर लीजिए। शॉप नंबर 18 पे वही मुझे मिंत्रा और जारा का कलेक्शन देखने को मिला। यहाँ पे सब कुछ 300 रुपीज़ में था। ये जारा वाला टॉप भी यहाँ पे मुझे सेम देखने को मिला। वही मैं बोलूँगी यहाँ पे सारे इन्फ्लुएंसर्स और जो बड़े बड़े हमारी शॉपिंग वेबसाइट्स पे टॉप हमें देखने को मिलते हैं वो यहाँ पे सारा कलेक्शन मुझे यहाँ देखने को मिला। और सिर्फ 300 रुपीज़ में ये वाइट कलर का जो शर्ट था, ज़्यादा से अच्छा मुझे ये वाला शर्ट लगा जनपद मार्केट वाला, और मुझे बहुत ही क्यूट लगा। ये अराउंड 650 का दे रहे थे बट यहाँ पे बार्गेनिंग हो जाती है तो आप बार्गेन करके ले सकते हैं। वही यहाँ पे काफ्तान सेट्स बहुत अच्छे लग रहे थे और नगमा वाला सेट तो मुझे बहुत प्यारा लगा था। साटन का शर्ट ये मैंने ज़ारा पे देखा था, अराउंड 3000 रुपये का था। ये वाला टॉप भी मैंने ज़ारा पे देखा था, इसका प्राइस भी समवॉट 800 रुपीज़ का था जबकि यहाँ पे ये 300-400 रुपीज़ में दे रहे थे। शॉप नंबर 20 पे भी कुर्ती का काफ़ी अच्छा कलेक्शन था, बहुत ही अच्छा। सबसे अच्छी बात इनका मटेरियल काफ़ी फ्रेश और काफ़ी अच्छा था। यहाँ मुझे फेस्टिवल के अकॉर्डिंग भी ड्रेसेस देखने को मिली, मतलब कुर्ती कलेक्शन देखने को मिला, आप जो फेस्टिवल्स में या फिर आप जो मैरिज वगैरह में पहन सकते हैं वैसा कलेक्शन भी इनके पास काफ़ी अच्छा था। तो एक दो सेट्स मैं लेके आई हूँ, हॉल को चेक कर लेना। और गिव अवे चल रहा है, गिव अवे में पार्टिसिपेट कर लीजिएगा। गिव अवे के लिए आपको इस वीडियो के नीचे लिखना है डन, और इस वीडियो के नीचे लिखने के बाद डन लिखने के बाद आपको सरोजनी वाली वीडियो जो है उसको उसके नीचे लिखना है डन, और मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना है। और जो सबसे पहली पोस्ट है या फिर रील है उसको उसके नीचे लिखना है डन। अब मैं आ गई हूँ शॉप नंबर 20 पे। यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छे बॉयज़ कलेक्शन देखने को मिला जो कि जिसका प्राइस मुझे यहाँ पे सिर्फ 200 रुपये बोला गया, जबकि मैंने साइट्स पे अगर चेक करा तो उनका प्राइस मुझे अराउंड 700 के आसपास देखने को मिला। अब शॉप नंबर 4 पे मैं आ गई, वहाँ पे सारे प्लाजो 200 रुपीज़ के थे, सारे तरह के प्लाजो मिल रहे थे, प्लेन, प्रिंटेड, चिकनकारी, सबका ही वो मतलब सबका ही मटेरियल मुझे काफ़ी अच्छा लगा अकॉर्डिंग टू 200 रुपीज़। फिर से आ जाते हैं हम यहाँ पे ज़ारा कलेक्शन, सस्ता वाला ज़ारा कलेक्शन मिला मुझे देखने को। लेकिन लिटरली मैं बताऊँ तो उनका मुझे मटेरियल काफ़ी सही लगा अकॉर्डिंग टू देयर प्राइस। ये वाला लेवेंडर कलर तो बहुत ज़्यादा इन था, मतलब बहुत ज़्यादा इन है अभी भी, और जब से ये ज़ारा ने मतलब लॉन्च किया ये टॉप उसके बाद से तो ये इतना फेमस हो गया है। यहाँ पे सिर्फ 300 रुपीज़ में मिल रहा था। यहाँ पे शॉप नंबर 1 पे ये कैमी टॉप और शॉर्ट्स वाला सेट भी मुझे काफ़ी अच्छा देखने को मिला,
मतलब इसके और भी कलर्स और प्रिंट्स मेरे के पास थे। ये वाला भी टॉप मैंने अभी दिखाया था आपको थोड़ी देर पहले ही ज़ारा पे, ये अराउंड 1500 के आसपास मिल रहा था। और फिर स्टॉल नंबर स्टॉल पे जाते शॉप नंबर 1 के सामने, यहाँ पे प्रिंटेड और शिमरी मास्क मिल रहे थे। और इसी के साथ साथ में एक स्टॉल था जहाँ पे ट्रेंडी इयर रिंग्स मिल रहे थे, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम स्टोर पर देखती हूँ वो मुझे अराउंड 250-300 रुपीज़ से मिलता है, यहाँ पे सिर्फ 50 रुपीज़ में मिल रहे थे। काफ़ी अच्छे कलेक्शन था ओवरऑल देखा जाए तो, कलरफुल कलेक्शन भी था, सिल्वर ऑक्सीडाइज भी थे, हुप्स भी थे, कलरफुल झुमकियाँ भी थी। और यहाँ पे शॉप नंबर 8 पे मुझे काफ़ी यूनिक कलेक्शन देखने को मिला जिसे आरी वर्क कहते हैं। यहाँ पे धोती पैंट्स भी थी, स्कर्ट्स भी थी, टॉप्स भी थे, इवन हमारा जो मतलब टॉप्स कैमी टॉप्स होते हैं अलग अलग टाइप के जितने भी टॉप्स होते हैं सब पे आरी वर्क हो रखा था और काफ़ी यूनिक सा देखने को मिला मुझे ये। इसमें काफ़ी प्रिंट्स और काफ़ी कलर्स थे। और शॉप नंबर 12 पे भी मुझे ज़ारा का कलेक्शन देखने को मिला, यहाँ पे ये अराउंड 500 और 700 के आसपास बोल रहे थे, जबकि ज़ारा पे मैंने चेक किया तो इसका प्राइस अराउंड 3000 रुपीज़ का था। होप गाइस आपको वीडियो आज का अच्छा लगा होगा, तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। और गिव अवे की मैंने पूरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, तो आप वहाँ से एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।